बकरियां देखिए माशाल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे चाचा एक इनके पीछे आ रहे, बकरियों को चरा रहे। कोई बाइक ही दौड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो यार जा रहा हूँ काठोर शहर, पेट्रोल लाना है। आज गार्डन में घास काटेंगे और आपको भी दिखाएंगे। कुछ सामान चाहिए वो भी उठाना है और बाकी देख सकते हो पूरा जंगली जंगल है। रहमान मेरे साथ जा रहा है और बाकी आगे जाके दिखाता हूँ आप। यहाँ पे कुछ फार्म है, मुर्गी के फार्म, कटिंग वाले फार्म जो होते हो ना, जो आप लोग खाते हो बाहर गोश्त, वो ये रहा मुर्गी का गोश्त। और चूज़े यहाँ पे बड़े होते हैं, ये इनका फार्म है। ये देख सकते हो ये सामने जितनी जितनी लाल नज़र आ रही है ना आपको, ये पूरा फार्म है। फार्म मतलब इनका, यहाँ पे चूज़े 3 दिन का 1 दिन का आता है और यहाँ पे 40 दिन तक बड़े हो जाते हैं। और बाकी जंगल ही जंगल है, आप देख सकते हो। दिन को भी बंदा यहाँ पे डरता है। देखिए यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, ये कपास लगा हुआ है सारा, ये भी कपास है। और यहाँ पे लोग जो है, ये काठोर के जो रहने वाले हैं, तो वो यहाँ पे जो है खेती बाड़ी करते हैं। ये सामने खजूर लगा हुआ है और सही भरा हुआ है खजूर। अच्छा, ये खजूर है सामने, टोटल खजूर लगाए हुए हैं रोड के किनारे पे। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि यार हमारे फार्म पे भी खजूर आ जाए। इसका लुक एक बड़ा ज़बरदस्त होता है और एक बड़ा अच्छा व्यू देता है यार। ये देखें इनका छांव भी है, अच्छा खासा छांव भी दे रहा है। बकरियां देखें माशाल्लाह। यहाँ पे चाचा एक इनके पीछे आ रहे, बकरियों को चरा रहे। ये पूरा जंगल है हमारा, वो सामने इस जड़ियों के पीछे हमारा फार्म है। और ये देखिए बकरियां चाचा घुमा रहे, वहाँ सामने पानी पिलाने गए थे वो डैम है ऊपर ना, तो माशाल्लाह देखिए बकरियां शौक करे दोस्तों। ये सामने ऊपर डैम है तो बकरियों को पानी पिलाने चाचा इधर आए थे। और ये मस्जिद है हमारे फार्म के बिल्कुल करीब दोस्तों। काठोर से वापस आ गए, पेट्रोल उठा लिया और कुछ सामान उठा लिया, फार्म चलते घास काटते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं घास हम लोग कैसे काटते हैं। चलो दोस्तों, घास काट लिया। सॉरी यार, आप लोगों को दिखा नहीं सकता था क्योंकि मैं अकेला था और कैमरा पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये रही मशीन घास वाली और पूरी घास काट दी। अभी इसमें ये रह गया, अभी वर्कर गया बाहर बकरियाँ चलाने, जब वो आ जाए तो ये हम पूरा यहाँ की सफाई कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी वाइट वाला पेड़ देखे, इसके साथ एक बच्चा भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है माशाल्लाह। कि हमारे हिरन देखे माशाल्लाह, ये भी आज इनको आज़ाद नहीं किया मैंने क्योंकि ये लोग यार पौधे वौधे सारे इन लोगों ने खा लिए भाई, ये इनको बिल्कुल आसरा नहीं करते ये लोग माश। और बाकी दो बच्चों वाली मुर्गी भी यहाँ पे, सब यहाँ पे, लेकिन बस आज काम के साथ फिर मसरूफ। और ये हमारे लाखा के साथ जो मुर्गी छोड़ी है बच्चों वाली, एक ये री और एक ये मुर्गा और एक वो मुर्गी छोड़ी है लाखे के साथ। अब इनसे इनसे इंशाल्लाह ब्रीड लेंगे। बाकी हमारे पास ब्लैकी के बच्चे तो बहुत है माशाल्लाह, लेकिन इस मेल का ब्रीड हमारे पास नहीं इंशाल्लाह। अब इनको आज़ाद नहीं करेंगे, इधर अंदर ही रहेंगे, 6 नंबर केज में होंगे, यहीं से इनसे अंडे इंशाल्लाह लेंगे। जब तक ये क्लॉक नहीं होगी तो ये आज़ाद नहीं होंगे, अंदर ही बंद होंगे। और बाकी हमारे लब्बट के कॉलोनी देखे माशाल्लाह, सब ओके की रिपोर्ट है। और देखो सब ने नहाया भी है आज। हमारे ब्लू पसनाटा के साथ हम लोगों ने वाइट रेड आइस माली छोड़ दी। ये मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे मशवरे दिए हैं और उसके वीडियो कॉल पे मैंने ये सब परिंदे उसको दिखाए थे, तो उसने मुझे बोला था कि यार ये वाला पेड़ ऐसा लगा, वो वाला ऐसा लगा। कल इसमें मसरूफ़ था, जो आपको मैंने बोला था ना पेड़ इनकी कोई सेटिंग करनी है, तो वो कल वो सेटिंग करना था। बाकी बर्ड सारे नहा चुके हैं माशाल्लाह। देखिए इस ब्लू पसनाटा के साथ भी वाइट वाली फीमेल है,
और यहाँ पे जो है हमारा पर ब्लू स्प्लिट इनो के साथ ब्लू पसनाटा की फीमेल छोड़ी है। और बाकी ये वाला जो हारून भाई मेल लाया था ब्लू वाला, वो मैं नीचे ले आया क्योंकि वो अभी पट्टा है, उसके साथ भी ब्लू पसनाटा की फीमेल छोड़ दी। बाकी आप देख सकते हो कि ये है। और बाकी धूप निकल आई देखे, और बाकी वाले अंदर वाले बर्ड्स जो है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और बराबर है। उसके बाद बहुत कम जाते हैं हम लोग क्योंकि अभी ब्रीडिंग का महीना आने वाला है, ये ब्रीडिंग का सिस्टम है। और वहाँ से काले बादल उठ रहे हैं भाई, काले बादल उठ उठ के आ रहे। अर्शद भाई वाली मुर्गी देखे माशाल्लाह, इसके भी बच्चे घूम रहे। ये घास की ऐसी सफाई करनी है, देखो ये काट दिया हम लोगों ने, ये देखो ये कितना ज़्यादा जमा हुआ। तो जब इस पे वो झाड़ू और वो लगेगा ना, ये देखे, तो ये अभी सारा उसको आके उसको बोलूँगा कि ये सारा उठा के बकरियों के खुनानी में डाल दो सारा। देखो दोस्तों बकरी अभी आ गई, एक येरी अंदर बैठ गई लेला येरी, और बाकी वो रे सारे परी काजल सब अंदर है, पट्टे भी ऊपर बैठे हुए हैं। आओ 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 आओ, चलो बेटी नीचे उतरो, जल्दी उतरो, वे नीचे आए, चले चलो नीचे चलो, चल इधर ही बैठ जा पिंजरों पे बैठ जा, बाकी इधर नहीं आना।